तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। आप लोगों के ही यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागतम। तो फ्रेंड, आप लोगों के लिए और एक महत्वपूर्ण अपडेट है। हाल ही में NTA ने और एक नया पैनल आप लोगों के लिए ओपन किया है इमेज करेक्शन की। आप लोग सोच रहे होंगे ये ऑप्शन क्या है, क्यों दिया गया है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये ऑप्शन दिया गया है ये देखने के लिए कि आप लोगों ने जो भी इमेज मतलब फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन अपलोड किया है, अगर वो फोटोग्राफ क्लियर अपलोड नहीं किया है विथ क्लियर बैकग्राउंड, या फिर फोटोग्राफ का फाइल साइज ठीक नहीं है, या फिर गलत फोटो अपलोड कर दिया है, तो आप लोगों को ये सारे ऑप्शन को करेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। मतलब आप लोगों का फोटोग्राफ एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है वो आप लोगों को दिखाई देगा जब आप लोग इस वेबसाइट में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करेंगे। जिन लोगों का फोटोग्राफ रिजेक्ट होगा उन सभी को फोटोग्राफ अपडेट करना पड़ेगा। जो लोग अपडेट नहीं करेगा उनके एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तब आप लोगों को एग्ज़ाम देने में दिक्कत आ सकती है। 1 से 2 दिन का टाइम रहता है अपडेट करने के लिए। सभी एक बार लॉगिन करके चेक कर लो कि आप लोगों का अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है या फिर नहीं। 2 मिनट का काम है, प्लीज़ सब लोग एक बार चेक कर लो। तो आप लोग किस तरह से चेक करेंगे आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग सिंपल से इमेज करेक्शन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आप लोग एक न्यू वेबसाइट में एंटर कर जाएंगे। मैं आप लोगों को सुविधा के लिए इस वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट में एंटर कर पाएंगे। तो इस वेबसाइट में एंटर करने के बाद आप लोग सिंपल से यहाँ पर आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर को एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का पासवर्ड को एंटर करेंगे। और इस दोनों ऑप्शन को फिलअप करने के बाद आप लोग सिंपल से इस कैप्चर कोड को यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मैं इस तीनों ऑप्शन को फिलअप कर रहा हूँ। तो इन सारे ऑप्शन को फिलअप कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे। तो लॉगिन करने के बाद अगर आप लोगों का फोटोग्राफ रिजेक्ट होगा तो आप लोगों को यहाँ पर फोटोग्राफ करेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमें कोई फोटोग्राफ अपडेट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, मतलब हमें फोटोग्राफ अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, नीट से रिलेटेड सारे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करने के लिए मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।